गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपके सिक्स का, दैट इज वेन डायग्राम्स. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, तो आप प्लीज इसको ध्यान से करिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम्स? ये क्या होता है? एक मैथमेटिशियन है वेन, तो उन्होंने, जॉन वेन थे, 1834 से 1883, ठीक है, ही वॉज जॉन वेन, उन्होंने सेट्स को समझने के लिए वेन डायग्राम्स जो है स्टार्ट किए थे. ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि वेन डायग्राम्स होते क्या. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेट है ए, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, और एक सेट है बी, दैट इज उसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, और ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है. तो एक मैं सेट बना सकती हूँ, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. उसमें है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से है, 1, 2, 3 एंड 4. तो 1, 2, 3, 4. उसके बाद मुझे सेट लेना है जिसमें 3, 4, 5, 6 हो. तो 3, 4 तो ये इसमें भी है ना, ए में, तो 5, 6. तो ये देखिए, सेट ए जिसमें 1, 2, 3, 4 है, सेट बी जिसमें 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है. तो ये तो होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉमन होती है. मान लो अगर हमारे एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए एंड सेट बी. ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ 7 एंड 8, तो बी में है 5, 6, 7, 8, तो बी के एलिमेंट्स 5, 6, 7, 8, ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो इनके जो आप सर्कल्स बना रहे हो ये हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये हो गए आपके डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, और ये जो कॉमन पोर्शन है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, मतलब कॉमन हमारा क्या है, 3 एंड 4, जो दोनों सेट्स में था. इसके बाद हम चलते हैं सबसेट. कई बार ऐसा भी होता है, हमने सबसेट पढ़े थे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक सेट है वो दूसरे का सबसेट होता है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सेट ए हैविंग 1 एंड 2 एज द एलिमेंट्स, और सेट बी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, विच, ठीक है, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. तो पहले मैं सेट बी बना रही हूँ जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. उसके अंदर सेट ए बनाऊंगी जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1 एंड 2. दिस इज सेट ए, तो 1 एंड 2 तो इसमें आ गए, बाकी 3, 4, 5 ये सेट बी हो गया. तो हम देख सकते हैं जो ए है दैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. जो ए है वो पूरा का पूरा आपका बी में है, इसीलिए ओके. तो आपको ये सबसेट वाला समझ आ गया. अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो हाउ विल शो दैट इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम्स. नाउ वी आर डूइंग ऑपरेशन ऑन सेट्स. ठीक है, अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं विच आर डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट, कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, दिस इज बी, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें मान लो एक और एलिमेंट है, वी हैव 7. ठीक है, तो ऑपरेशन, जैसे हम ऑपरेशन ऑन नंबर्स पढ़ते हैं ना, तो ये हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब इनका मल्टीप्लाई, इनको प्लस करना है, माइनस करना है, वो सब. ठीक है, अगर मुझे ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, आई विल राइट ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब होता है उनको कंबाइन करना, तो मतलब वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, बट उनको रिपीट नहीं करना है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं रिपीटिशन इज एम मटेरियल इन द केस ऑफ सेट्स. तो ए यूनियन बी आपका ये रहेगा. ठीक है, तो उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उल्टा यू बनाना है, एंड दिस इज द साइन ऑफ यूनियन.
यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, इंटरसेक्शन मतलब जो इनमें कॉमन है, वन और टू आर द कॉमन एलिमेंट्स, तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी का सेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे वेन डायग्राम्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, और ये डिसजॉइंट नहीं है ना, इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, वन एंड टू, टू एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, ठीक है। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी, मतलब पूरा ए एंड पूरा बी, दिस इज ए एंड बी, तो पूरा हो जाएगा, हम इसको ऐसे शेड कर देंगे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, यहां लिखेंगे इसे बाहर ए यूनियन, ठीक है। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, मैं दोबारा बना रही हूं, ए बी जिसमें दो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स थे, ये ए है ये बी है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन, ये समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में, यूनियन की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, यूनियन ऑफ सेट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए, वो तो आपको दिख ही रहा है, चाहे ए के एलिमेंट्स को बी में ऐड कर लो, चाहे बी के एलिमेंट्स को ए में ऐड कर लो, वो बराबर बात होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन, इफ आई हैव थ्री सेट्स तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी एंड यूनियन सी के। मान लो एक और सेट होता मेरे पास सी, जिसके एलिमेंट्स है सिक्स और सेवन, ठीक है, तो मेरे को तीनों को कंबाइन करना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो चाहे मैं पहले बी और सी को कंबाइन कर लूं, या पहले ए और बी को कंबाइन कर लूं फिर सी को कंबाइन करूं, आंसर तो एक ही आएगा ना मेरा, और वो आंसर क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। चाहे पहले इन दो को प्लस करूं, चाहे पहले इन दो को प्लस करूं। इसके बाद है ए यूनियन ए, अगर इफ आई एम गिवन ए यूनियन ए, क्या होगा, ए में ये ए है, इसमें यही एलिमेंट्स मिलाएंगे तो हमें ए ही रिसीव होएगा, ठीक है। ए यूनियन फाइव, अगर फाइव के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है तो भी ए के ही एलिमेंट्स रहेंगे। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, इफ आई एम कंबाइनिंग इट विद, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ए यूनियन यू, यू इज द यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट है हमारा, तो इसमें क्या आएगा आपका यू, यूनिवर्सल सेट होता है ये पूरा, मतलब ये नेचुरल नंबर है ना सारे, तो ए को यूनिवर्सल सेट के साथ कंबाइन करूंगी तो आई विल गेट द आंसर यू, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, अगर ए सबसेट है बी का, जैसे हमने एक केस में बनाया था ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर ए था, ठीक है, तो इफ ए यूनियन बी करूंगी, तो ए में अगर मैं बी के एलिमेंट्स मिलाने लग जाऊं, देन क्या आएगा आपका आंसर, समझ में आ गया ना, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए पहले से ही बी के अंदर है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें बी मिलेगा ना, ठीक है। तो और इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी अगर फाइव आ रहा है आपका, इफ इफ यू आर गिवन ए यूनियन बी इज फाइव, मतलब दो सेट है, दोनों को मिला के भी वो एम्प्टी सेट बन रहा है, इसका मतलब दोनों ही खाली हुए, अगर कोई भी एक एलिमेंट होता तो वो कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें शो होता ना यूनियन में, ठीक है, दो को मिला के एम्प्टी सेट है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए भी आपका एम्प्टी सेट है और बी भी आपका एम्प्टी सेट है, दोनों एम्प्टी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, अब चलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, एक बार रिपीट करा रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होएगा, ये आपकी एसोसिएशन प्रॉपर्टी है, तीन सेट्स हैं तो उनको इस तरह से हम यूनियन कर सकते हैं, फिर ए यूनियन ए जो है वो आपका ए रहेगा, फोर्थ प्रॉपर्टी है फाइव के साथ कंबाइन करूंगी तो द सेट इटसेल्फ रहेगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन होगी तो आंसर विल बी द यूनिवर्सल सेट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए सबसेट है बी का, मतलब जो ए है वो पहले ही बी के अंदर है, तो कंबाइन करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, बी,
सेवन प्रॉपर्टी अगर ए यूनियन बी करके फाई आ रहा है, मतलब नल सेट आ रहा है, खाली है, इसका मतलब ए भी खाली है आपका और बी भी एम्प्टी है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगेन राइटिंग ए जिसमें है वन टू एंड फाइव, बी जिसमें है वन टू थ्री फोर फाइव, और ये सी है आपका सिक्स और सेवन, ठीक है। नाउ हमें करना क्या है, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमने शो किया था, ए इंटरसेक्शन बी कैसे शो होता है, ए बी जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, दिस इज द पोर्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए। देखिए अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, दो एलिमेंट्स कॉमन है वन एंड टू, तो चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन कर लो, ए और बी का इंटरसेक्शन कर लो, द आंसर विल बी सेम। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए तीनों का इंटरसेक्शन करूंगी तो सिक्स और सेवन है, इसमें तीनों में हमारा कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां वन ले लेती हूँ, मेरे पास यहाँ वन और है, तो अब देखिए वन ऐसा एलिमेंट है ना जो तीनों में है, तो तीनों का इंटरसेक्शन मेरे पास वन आया। पहले करना है बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है वन, तो ये आ गया ए वन टू फाइव। अब वन टू फाइव और वन में क्या कॉमन है, वन, ठीक है। इधर आ जाइए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, वन और टू। इंटरसेक्शन सी सिक्स सेवन वन, अब देखो इनमें क्या कॉमन है, वन, तो आंसर सेम आ रहा है ना, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, आंसर जो है आपका वो सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, ए का ए से इंटरसेक्शन, तो सारे एलिमेंट्स ए के ही रहेंगे ना। फिर है ए इंटरसेक्शन फाइव, एक तो हमारे पास ए सेट है पूरा, तो एक तो मेरे पास ए सेट है जिसमें वन टू एंड फाइव एलिमेंट्स है, एक है एम्प्टी सेट, तो इनके इंटरसेक्शन करूंगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा ना। जब एक सेट तो बिल्कुल खाली है, एक में एलिमेंट्स है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कॉमन तो फाइव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी आपकी ए यू, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट है मान लो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ए है वन टू फाइव, तो दोनों में कॉमन कौन से रहेंगे, यही रहेंगे ना वन टू फाइव, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, द सेट ए, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूं सबसेट का केस, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मैं ऐसे शो कर सकती हूं ना बी और इसके अंदर ए, ठीक है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या रहेगा, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सारे कॉमन है ना, जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो कॉमन ही है, ए में भी और बी में भी है, बी में भी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, ए, समझ में आ गया। और अगर ऐसा कोई केस है, सेवन केस ले रही हूं, बी सबसेट है ए का, तो इसका डायग्राम दोबारा बनाएंगे हम, ये ए रहेगा और ये बी, ठीक है। इफ बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, तो आपका बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी वो क्या रहेगा, बी, कॉमन एलिमेंट्स बी रहे, समझ में आ गया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, आगे आप चलते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ही था व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स, जिन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। मान लो ए एक सेट है
वन टू थ्री और बी एक सेट है हैविंग द एलिमेंट्स फाइव सिक्स सेवन, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाइव. ठीक है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट. ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अगर सेट ए है आपका वन टू थ्री, ठीक है, और सेट यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो है वन टू थ्री से लेके टेन तक के नंबर्स, उसमें से एक सेट है ए और मुझे लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब. ठीक है, तो इसको मैं ना पहले वेन डायग्राम के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट और उसमें ये सेट है ए टू और थ्री. ठीक है, और ये जो यूनिमेंट है वन से लेके टेन तक, तो वन टू ओके. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से या ए डैश से. ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है वन टू एंड थ्री और यूनिवर्सल सेट है दैट इज वन टू एंड टिल टेन. इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरे पास सेट ए है जिसमें मेरे पास वन टू और थ्री है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें वन टू थ्री यहाँ हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, इसमें ये सब एलिमेंट्स हैं. तो हमें क्या करना है इसमें? वी हैव टू फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स ए को छोड़ के बाकी सब. तो दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट. तो वन टू थ्री छोड़ के क्या बचा? फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. ए ये रहा और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, मिला के क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ये ए कॉम्प्लीमेंट है. क्या इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है? नो. सो दिस इज फाइव. थर्ड प्रॉपर्टी इज ए फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट. एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? फाइव. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट आ गए, जब कुछ बचा ही नहीं तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? फाइव. एंड वाइस वर्सा. फोर्थ इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए आता है. कैसे? ये ए कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, अगर मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना दिया जाए तो मैं क्या लिखूंगी? इनको छोड़ के बाकी क्या बचा? यूनिवर्सल सेट में इनको छोड़ के क्या बचा? वन टू थ्री बचा. तो ये देखिए ध्यान से, वन टू थ्री क्या आ गया? फिर से सेट ए आ गया. तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सेट ए. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. उसके बाद है हमारा, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को इन द सेट बिल्डर फॉर्म? ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू. वो सारे एलिमेंट्स एक्स जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं पर ए में नहीं आते, दे बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, समझ में आ गया. इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के. ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स. मेरे पास दो सेट्स हैं, ए वन टू थ्री फोर, बी थ्री फोर फाइव सिक्स, और मुझे निकालना है ए माइनस बी. तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं. इन द वेन डायग्राम कॉमन एलिमेंट्स हैं थ्री और फोर, ये ए है ये बी है. ठीक है, ये वन टू और फाइव सिक्स. ठीक है, अब मुझे निकालना है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को माइनस कर दो. ए ये है, इसमें से बी वाला पोर्शन छोड़ के आई एम गेटिंग दिस पोर्शन. सो दिस इज माय ए माइनस बी. तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आए? वन और टू. ठीक है, फिर मैं कर रही हूँ बी माइनस ए. बी माइनस ए में मेरे पास बी में से ए माइनस करना है, तो इधर वाला हिस्सा छोड़ देना, सिर्फ ये वाला हिस्सा मेरे पास आएगा. आई एम गेटिंग फाइव एंड सिक्स. मतलब ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में है और बी में नहीं है, इसमें जो एलिमेंट्स बी में है पर ए में नहीं है.
तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इन द सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और इसमें कैसे लिखेंगे, ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, ये हो गया आपका b माइनस a, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में। अगर इसी में लिखा हो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये होता है यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, इनके यूनियन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक इनके यूनियन को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, ठीक है, ए एंड बी। तो करना क्या है, वैसे एक देखो ए माइनस बी ये हो गया और बी माइनस ए ये हो गया, इनका अगर मैं यूनियन लेती हूं तो मेरे पास क्या आएगा, बस थ्री और फोर को छोड़ के बाकी सब आ गया। तो एक तरह से ए माइनस बी क्या है आपका वन एंड टू, यूनियन बी माइनस ए क्या है फाइव एंड सिक्स, इनका यूनियन किया वन टू फाइव एंड सिक्स, एक तरह से किसके बराबर हुआ, अगर मैं ए और बी को कंबाइन कर लू और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो छोड़ दू तो दैट इज आई एम गेटिंग द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। करना क्या है, इसमें ए माइनस बी निकाल लो, बी माइनस ए निकाल लो, उनको कंबाइन कर दो। और वैसे सोचा जाए तो क्या होता है, टोटल में से कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के जो हमारे पास आएगा, ठीक है, इसमें थ्री और फोर ही तो नहीं है ना, बस कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो वही काम है, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ दो टोटल सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आई थिंक ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन।